धरती कांप उठी रात के अंधेरे में शोर उठा और ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर बिजली कड़क रही हो। सुबह जब लोगों ने जाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे वहां पर भूचाल आया होगा, जैसे कोई जल्लाद धरती को बुरी तरह झंझोड़कर चला गया हो। सड़क कहीं जमीन में धंस गई तो कहीं ऊपर उठ गई थी। ये घटना महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की है। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। पक्की सड़क कहीं फट गई, कहीं धंस गई और कहीं पड़ गई लंबी दरारें। नजारा ऐसा जैसे यहाँ की धरती को किसी ने बुरी तरह झकझोर दिया हो, या फिर जमीन के अंदर की कोई हलचल थी जो अपने निशान सतह पर छोड़ गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की। यहाँ बड़ी इलाके में जमीन ऐसे धस गई जैसे जगह अंदर से खोखली हो। शुक्रवार रात को लोग गहरी नींद में थे जब सबने महसूस किया कि धरती कांप रही है। फिर सबने कड़कड़ाने की तेज आवाज सुनी। किसी जलजले से कम नहीं था वो मंजर। पक्की नींव वाला बिजली का विशाल काय टावर ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ा। वो जो जमीन बह रही है उसके कारण हमारा टावर टिल्ट हो गया था, जो 400 केवी डबल सर्किट लाइन है जिसपे से 1000 मेगावाट पावर वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाता है, तो वो जरूरी था कि हैंड ट्रिप करने का, इसलिए वो लाइन खबरदारी के लिए पहले से ही बंद कर दिया हमने। आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह सहम गए। किसी को समझ में नहीं आया कि अचानक सड़क के पास ये कैसी हलचल थी जिसने समतल पक्की सड़क का ऐसा हाल कर दिया। जहां जमीन फटी है वहां से महज 20 मीटर दूर है बच्चों का स्कूल। क्या होता अगर उस वक्त बच्चे स्कूल में होते? यहां पे पल पल अपना खतरा है, यहां पे खतरा बढ़ रहा है। बोरगांव में जो हमारी स्कूल है वो यहां से 15 या 20 मीटर की दूरी पे है, और ये डंपिंग की वजह से कहीं हमारा स्कूल गिर ना जाए। टावर गिरने से मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। इलाके के लोग धरती फटने की इस घटना को कोयला खदान में चल रहे खनन से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कोलफील्ड्स वनी एरिया के अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे वजह क्या है? क्या ये प्रकृति की चेतावनी है या फिर आने वाले किसी बड़े भूचाल का संकेत? वणी से विकास राजुरकर के साथ मनीष अवस्थी, नागपुर आज तक।